डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी आगंतुक महानुभावों से निवेदन है कि राष्ट्रगान, कुलगीत एवं दीप प्रज्वलन के समय अपने स्थान पर खड़े रहें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे
सार्धशतम् इति लक्ष्मीकं जेत्वरः विश्वविद्यालयो विजयते विश्वविद्यालयो विजयते विश्वविद्यालयो विजयते सूर्यनगर्यां मरुभूमौ जयतु आयुर्ज्ञानपदम् जयतु आयुर्ज्ञानपदम् जयतु आयुर्ज्ञानपदम् माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का पठन कर हम सभी को शपथ दिलाने की कृपा करावे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्षिक शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दो, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखे और उनका पालन करे। तीन, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण रखे। चार, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पाँच, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छः, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सात, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौ, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। दस, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ग्यारह, जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। मैं कुलपति महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे चतुर्थ दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या आपकी अनुमति है कि दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा की जाए और मेरे द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए? हाँ, अनुमति है। माननीय कुलाधिपति की अनुमति से मैं चतुर्थ दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमान कलराज मिश्र जी साहब, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री श्रीमान
डॉक्टर रघु शर्मा जी, प्रबंध मंडल तथा विद्या परिषद के सम्मानित सदस्य, आमंत्रित अतिथि महानुभाव, संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य, निदेशकगण, समस्त विभागाध्यक्ष एवं संकाय सदस्य, विद्यार्थीगण, अभिभावकगण, मीडिया बंधु, देवियों और सज्जनों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में पधारने पर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी महोदय का भावभीना स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी को आपके पधारने पर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच चतुर्थ दीक्षांत समारोह के अवसर पर एक अच्छे शिक्षक एवं श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता कुलाधिपति विराजमान हैं। विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में गरिमामय शैक्षणिक वातावरण के अंतर्गत गुणवत्तापूर्वक अध्यापन, प्रभावपूर्ण शोध, अनुशासन तथा उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता हेतु माननीय राज्यपाल महोदय के दिशा निर्देश हमारा मार्गदर्शन करते हैं तथा सदैव आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। इस दीक्षांत समारोह में पधारे हुए माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके अत्यंत सहज भाव से मेरे अनुरोध को स्वीकार कर इस दीक्षांत समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति दी है, इसके लिए मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वर्तमान में 24 बीघा जमीन पर महाविद्यालय अपने मूल नवनिर्मित भवन में संचालित हो रहा है। विश्वविद्यालय के करवड़ परिसर के बहुविशेषज्ञता युक्त आंगिक चिकित्सालय में बहिरंग सेवाओं के साथ 220 शैयाओं से युक्त अंतरंग आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित किया जा रहा है। जोधपुर शहर के मगरा पूंजला क्षेत्र में विश्वविद्यालय का एक सैटेलाइट आयुर्वेद अस्पताल भी है, जिसमें बहिरंग चिकित्सा के साथ साथ 30 शैयाओं युक्त अंतरंग चिकित्सा सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं। जिला टोंक के चिराई क्षेत्र में विश्वविद्यालय के आंगिक यूनानी चिकित्सालय में भी बहिरंग एवं 60 शैयाओं युक्त अंतरंग सेवाएं संचालित की जा रही हैं। टोंक शहर के ही बगीकाना परिसर में सैटेलाइट यूनानी चिकित्सालय का भी संचालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा इन चिकित्सालयों में जन सामान्य को विभिन्न रोगों का आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा के माध्यम से प्रभावपूर्ण एवं श्रेष्ठ उपचार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में पंचकर्म चिकित्सा हेतु पृथक से एक नवनिर्मित भवन में पंचकर्म सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से वर्तमान में आम जनता को उच्च स्तरीय पंचकर्म सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यहां राजस्थान के सुदूरवर्ती जिलों के साथ साथ अन्य प्रांतों से भी रोगी आकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ के पंचकर्म की उत्कृष्ट सेवाओं के फलस्वरूप चिकित्सा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, ऐसा हम सभी का विश्वास है। यहाँ पर रोगियों की सुविधाओं का विस्तार करते हुए चिकित्सालय में 30 आधुनिक कॉटेज वार्ड्स की भी व्यवस्था की गई है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला स्वर्णिम 2019 का दिनांक 20 और 21 दिसंबर 2019 को आयोजन हुआ। इसमें देश के आमंत्रित शीर्ष आयुर्वेदी बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा व्याधि क्षमता बढ़ाने वाले आयुर्वेद के लोकप्रिय स्वर्ण प्राशन के उपयोग एवं शोध हेतु प्रोटोकॉल प्रारूप तैयार किए गए। विश्वविद्यालय में मानव संसाधन केंद्र की जनवरी 2020 में स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षकों, शोध अध्येताओं, विद्यार्थियों तथा कार्मिकों के कौशल विकास एवं ज्ञान को अद्यतन करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन किया गया है। रिसर्च मेथोडोलॉजी पर दिनांक 2 और 3 मार्च 2020 को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। लॉकडाउन की अवधि में विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केंद्र के तत्वावधान में साइंटिफिक पेपर राइटिंग पर दिनांक 6, 9 और 11 जून 2020 को राष्ट्रीय विशेषज्ञों के ऑनलाइन अतिथि व्याख्यान आयोजित किए गए। सभी 14
विभागों के शिक्षकों एवं शोध अध्येताओं के लिए देश के विषय विशेषज्ञों द्वारा 34 अतिथि व्याख्यानों का भी आयोजन किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन की अवधि में विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के लिए ऑनलाइन माध्यम से निरंतर शैक्षणिक गतिविधियां जारी रखी गई। जोधपुर का सबसे पहला क्वारंटाइन सेंटर विश्वविद्यालय के चिकित्सालय भवन में दिनांक 21 मार्च 2020 को स्थापित किया गया था। दिनांक 30 मार्च 2020 को विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन कार्य के लिए अपना स्वयं का पोर्टल विकसित कर उसे न केवल राजस्थान के अपितु संपूर्ण देश के आयुष विद्यार्थियों के लिए लोकार्पित किया। इसमें विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों के शिक्षकों द्वारा 2000 से अधिक वीडियो लेक्चर्स, 300 से अधिक ई बुक्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र, लेख और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। देश के अनेक राज्यों के 6000 से अधिक विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर इस पोर्टल का लाभ प्राप्त किया। प्रसन्नता एवं गर्व का विषय है कि लॉकडाउन की अवधि में आयुर्वेद विश्वविद्यालय का यह नवाचार संपूर्ण भारत का इस तरह का पहला अभिनव कार्य था, जिसे भारत सरकार के माननीय आयुष मंत्री द्वारा मंत्रालय के आधिकारिक फेसबुक पेज पर सराहा गया और इस पोर्टल में कोविड-19 के संक्रमण के प्रतिषेध एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने में आयुर्वेदी औषधियों, वनौषधियों एवं स्वास्थ्य विषयक निर्देशों का महत्व समाज में अभूतपूर्व रूप से सामने आया है। विश्वविद्यालय द्वारा मार्च माह से ही क्वारंटीन सेंटर्स पर सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ कर दिया गया था, किंतु क्वारंटीन सेंटर्स पर 24 घंटे सेवाएं दे रहे कोरोना योद्धाओं, हजारों की संख्या में ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक कार्यालयों के कर्मियों, एम्स एवं मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों एवं पीएससी के स्टाफ को कोविड संक्रमण से बचाव एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा इम्यूनिटी किट की लगभग 1,00,000 डोजेज अप्रैल, मई एवं जून माहों में वितरित की गई। संकलित डाटा के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया है कि इम्यूनिटी किट से कोरोना योद्धाओं का कोविड-19 संक्रमण से संपूर्ण रूप से बचाव हुआ है। यह सूचित करते हुए प्रसन्नता एवं गर्व का अनुभव होता है कि इस विश्वविद्यालय के कोविड-19 शोध कार्यों को विश्व की स्वास्थ्य विषयक सर्वोच्च संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा संदर्भ विवरण में शामिल किया गया है। शासन द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइंस के साथ साथ आयुर्वेद के अनमोल एवं अत्यंत उपयोगी औषधि योगों एवं स्वास्थ्य संदेशों को लेकर विश्वविद्यालय ने कोविड-19 प्रभावित मानवता की सेवा में सर्वथा अग्रणी भूमिका निभाई है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं व्यापक जन जागरण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दोनों गोद ग्रामों घड़ाव और झालामंड में अनेक गतिविधियों का सफल आयोजन किया। इन दोनों गोद ग्रामों की विभिन्न बस्तियों एवं ढाणियों में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जनसंपर्क किया गया। पोस्टर्स, बैनर्स एवं पैम्पलेट्स के माध्यम से सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं स्वास्थ्य संदेशों का प्रचार प्रसार भी किया गया। नरेगा श्रमिकों को उनकी कार्यस्थली पर जाकर क्वाथ वितरण एवं स्वास्थ्य चर्चाओं का आयोजन भी किया गया। पंचायत कार्यालयों, विद्यालयों, बाजारों में सभाओं का आयोजन कर कोविड संक्रमण से बचाव के उपायों का पालन करने का विनम्र आग्रह किया गया। बोर्ड परीक्षाओं के अंतिम दिन परीक्षा समाप्ति पर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षार्थी छात्रों की रैली एवं कोविड संक्रमण से बचाव के उपायों को अपनाने की प्रतिज्ञा दिलवाई गई। गिलोय एवं तुलसी के सैकड़ों पौधे दोनों गोद ग्रामों के ग्रामवासियों को वितरित कर कोविड संक्रमण से बचाव में इनकी भूमिका पर भी चर्चाएं आयोजित की गई। दोनों गोद ग्रामों में निर्धारित मासिक गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। इनमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के निर्माण का कार्य भी प्रक्रिया में सम्मिलित है। उक्त सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप दोनों गोद ग्रामों में कोविड पीड़ित रोगियों की संख्या नगण्य है।
विश्वविद्यालय द्वारा प्रेरित एक दानदाता के द्वारा गोदग्राम झालामंड की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को 1,00,000 रुपये से अधिक मूल्य की पुस्तकें निःशुल्क भेंट की गई और वहां एक लघु वनौषधि वाटिका भी विकसित करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कोविड-19 के इस चुनौतीपूर्ण दौर में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण को समृद्ध करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत अनेक राष्ट्रीय स्तर की वेबिनार्स का भी आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों के दुर्लभ उद्बोधनों का विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं शोध अध्येताओं को लाभ प्राप्त हुआ। विषय है दिनांक 21 जून 2020 को योग दिवस का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्रिटेन की संसदों के दोनों सदनों हाउस ऑफ लॉर्ड्स एवं हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रुप द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आमंत्रित विश्व स्तर के चुनिंदा स्वास्थ्य विशेषज्ञों में इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुझे भी आमंत्रित किया गया, जो विश्वविद्यालय की ग्लोबल प्रेजेंस को भी दर्शाता है, साथ ही आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकारता का एक प्रमाण भी है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय में दिनांक 11 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय यूनानी दिवस, दिनांक 13 नवंबर 2020 को वर्चुअल पंचम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस तथा दिनांक 26 नवंबर 2020 को वर्चुअल संविधान दिवस भी मनाया गया। विश्वविद्यालय के विद्वान शिक्षकों एवं शोध अध्येताओं के शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुए, जो विश्वविद्यालय की शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों की परंपरा के उत्तरोत्तर विकास का सूचक है। विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद द्वारा राजकीय एवं निजी सेवाओं में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सकों को कौशल विकास एवं शैक्षणिक उन्नयन के क्रम में आयुर्वेद चिकित्सा की विशिष्ट विधाओं जैसे चारसूत, पंचकर्म, जरारोग के विशेष प्रशिक्षण हेतु लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी संचालन किया गया। इसके अंतर्गत चिकित्सक प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर आयोजित रेफरेशन कोर्सेज के माध्यम से प्रशिक्षित होकर जनमानस को विशिष्ट चिकित्सा विधाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय विकसित किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों, शोध अध्येताओं और शिक्षकों के लिए पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं के साथ इंटरनेट युक्त अत्याधुनिक IT सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। ई लाइब्रेरी की स्थापना वर्तमान में तीव्रता से प्रक्रियाधीन है। विश्वविद्यालय परिसर में ही नवनिर्मित विशाल भवन में GMP प्रमाणित फार्मेसी का विकास किया गया है। यह फार्मेसी स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के चिकित्सालयों हेतु औषधियों की आपूर्ति भी कर रही है। भविष्य में इस फार्मेसी को कॉमर्शियल फॉर्म में विकसित करने की भी योजना है। विश्वविद्यालय परिषद में स्नातक छात्र छात्राओं एवं स्नातकोत्तर छात्रों की राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी द्वारा राजस्थान में 2 होम्योपैथी कॉलेज खोलने की घोषणा से राज्य की जनता को होम्योपैथी चिकित्सा सुविधाएं बेहतर ढंग से प्राप्त हो सकेंगी। इनमें से एक होम्योपैथी कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में तथा दूसरा कॉलेज अजमेर जिले के केकड़ी में प्रारंभ होने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर तथा दोनों गोद ग्रामों में 2000 से अधिक वनौषधि पादपों का भी रोपण किया गया। यूरोपियन आयुर्वेदा एकेडमी के अध्यक्ष एवं जर्मनी के आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर मार्क रोजनबर्ग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर का दिनांक 20 फरवरी 2020 को अवलोकन किया तथा कुलपति एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों तथा शोध अध्येताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में परस्पर महत्व के विषयों पर चर्चा भी की। विश्वविद्यालय के इस चतुर्थ दीक्षांत समारोह में वर्ष 2019 के उत्तीर्ण 776 स्नातक, 152 स्नातकोत्तर
एवं 21 पीएचडी अध्येताओं सहित कुल 949 छात्रों को उपाधियां प्रदान की जा रही हैं। अंत में इस विश्वविद्यालय के सभी कार्मिक यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम आयुर्वेद एवं अन्य आयुष पद्धतियों के विकास एवं समन्वयन के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा सेवा, अच्छे शिक्षक, श्रेष्ठ अनुसंधानकर्ता एवं समाजसेवी तैयार करने में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग समर्पित भाव से करते हुए आयुर्वेद को देश एवं विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए कृतसंकल्प हैं। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में पधारने से इस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ा है। माननीय राज्यपाल महोदय का व्यक्ति से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने अत्यंत व्यस्ततम समय से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और विश्वविद्यालय के पथ प्रदर्शक के रूप में पधारकर हमें अनुग्रहित किया। माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ पर प्रेरणा स्रोत के रूप में पधारकर हमें उत्साहित किया एवं अनुग्रहित किया। अंत में मैं जनप्रतिनिधि, प्रबंध मंडल, विद्या परिषद, अध्ययन मंडल, अधिष्ठाता, प्राचार्य, संबद्ध महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, वित्त नियंत्रक, समस्त संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य, निदेशकगण, समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय संकाय सदस्य, कर्मचारी, विद्यार्थीगण, अभिभावकगण एवं मीडिया बंधुओं सहित आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं एवं उनके परिजनों को हार्दिक बधाई। मैं इन सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आयुर्वेद संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर महेश दीक्षित से अनुरोध करती हूँ कि कृपया उपाधियों की स्वीकृति हेतु उद्घोषणा में सहभागी बने। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता आयुर्वेद संकाय माननीय के सम्मुख उन स्नातकोत्तर एवं स्नातकों में से कतिपय को प्रस्तुत करता हूँ जो आयुर्वेद संकाय में पीएचडी, एमडी, एमएस आयुर्वेद, बीएएमएस एवं बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। माननीय से सविनय प्रार्थना है कि इन स्नातकोत्तर एवं स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करावें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय से पीएचडी, एमडी, एमएस आयुर्वेद, बीएएमएस एवं बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। वर्ष 2019 में उत्तीर्ण घोषित बीएमएस स्नातक प्रथम वरीयता एवं स्वर्ण पदक 2019 कल्पना यादव। द्वितीय वरीता गरिमा गुप्ता। तृतीय वरीता आयुषी खंडेलवाल। बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद 2019 प्रथम वरीयता एवं स्वर्ण पदक 2019 सुमन। द्वितीय वरीता नीलम गोस्वामी।
तृतीय वरीयता कमलेश। मैं होम्योपैथी संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर योगेश्वरी गुप्ता से निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर पधारें एवं उपाधि प्राप्तकर्ता स्नातकों के सत्र एवं नामों की उद्घोषणा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता होम्योपैथी संकाय माननीय के सम्मुख उन स्नातकोत्तर एवं स्नातकों में से कतिपय को प्रस्तुत करती हूँ जो होम्योपैथी संकाय में MD होम्योपैथी एवं BHMS उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मान्य से सविनय प्रार्थना है कि इन स्नातकोत्तर एवं स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करावें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के होम्योपैथिक संकाय में MD होम्योपैथिक या BHMS की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। वर्ष 2019 में उत्तीर्ण घोषित BHMS स्नातक प्रथम वरीयता एवं स्वर्ण पदक 2019 शिवानी अग्रवाल। द्वितीय वरीयता दिनेश सूरा। तृतीय वरीयता महिमा देवानी। मैं यूनानी संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर MS आजमी से निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर पधारें एवं उपाधि प्राप्तकर्ता स्नातकों के सत्र एवं नामों की उद्घोषणा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता यूनानी संकाय माननीय के सम्मुख उन स्नातकों में से कतिपय को प्रस्तुत करता हूँ जो यूनानी संकाय में BUMS उपाधि के योग प्रमाणित हुए हैं। माननीय से सविनय प्रार्थना है कि इन स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करावें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के यूनानी संकाय में BUMS की उपाधि प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। वर्ष 2019 में उत्तीर्ण घोषित BUMS स्नातक प्रथम वरीयता एवं स्वर्ण पदक 2019 उम्मीद है मन। द्वितीय वरीयता प्राप्त आमिरा फातिमा आलवी। तृतीय वरीयता प्राप्त उज्मा हुसैन। मैं प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर अंकेश सिंह से निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर पधारे एवं उपाधि प्राप्तकर्ता स्नातकों के सत्र एवं नामों की उद्घोषणा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संकाय माननीय के सम्मुख उन स्नातकों में से कतिपय को प्रस्तुत करता हूं जो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संकाय में BNYS उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। माननीय से सविनय प्रार्थना है कि इन स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करावें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में
मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संकाय में BNYS की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उच्च उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। वर्ष 2019 में उत्तीर्ण घोषित BNYS स्नातक प्रथम वरीयता एवं स्वर्ण पदक 2019 रामला। द्वितीय वरीयता मनीषा साहू। तृतीय वरीयता विजय कुमार वर्मा। मैं माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी महोदय से सविनय अनुरोध करती हूँ कि वो अपना उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय कलराज मिश्र साहब, विश्वविद्यालय के कुलपति, सारे फैकल्टी के डीन साहेबान, विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यगण, मुझे आज विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शामिल होकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार एवं स्वास्थ्य सेवा देने वाले उन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों का उत्साह और जज्बा मुझे आज भी खुशी देता है। विश्वविद्यालय के विद्वान शिक्षक चिकित्सकों द्वारा यहाँ के चिकित्सालय में सराहनीय सेवाएं दी जा रही है। यहाँ का पंचकर्म केंद्र देश के सर्वश्रेष्ठ पंचकर्म केंद्रों में से एक है और उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ पंचकर्म केंद्र है। जोधपुर क्षेत्र के बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम की गूंज राजस्थान के बाहर अन्य राज्यों में भी पहुंच गई है, जिसके फलस्वरूप अनेक राज्यों में जोधपुर के स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का अनुसरण किया जाने लगा है। इसके सफल परिणामों में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की पैठ को बढ़ाया है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इस विश्वविद्यालय का 10 मार्च 2003 को शिलान्यास किया था और इस सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की निरंतर विकास यात्रा में सक्रिय सहयोग दिया जा रहा है। आज ये विश्वविद्यालय एक श्रेष्ठ स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान के रूप में देश भर में अपनी अलग पहचान रखता है। वहीं आयुष शिक्षण संस्थाओं को संबद्धता देकर आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग तथा नर्सिंग के विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, PhD एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों को संचालित कर रहा है। राजस्थान देश का ऐसा प्रदेश है जहां आयुर्वेद के सर्वाधिक औषधालय एवं चिकित्सालय स्थित है, जहाँ के लोगों में आयुर्वेद के प्रति विश्वास और सम्मान है। यहाँ की संस्कृति ने आयुर्वेद को आत्मसात किया है। यह गौरव की बात है कि इस परंपरागत चिकित्सा पद्धति के उन्नयन, अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान के विकास हेतु अपनी तरह के मौलिक विश्वविद्यालय की स्थापना जोधपुर में कर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने उत्कृष्ट कार्य किया है। भारत आयुर्वेद, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का उद्गम स्थल रहा है। ईश्वर ने जब से सृष्टि की रचना की है, इसी प्रकार से ये पद्धतियां मानव के स्वास्थ्य का संरक्षण, संवर्धन एवं उत्पन्न रोगों का निवारण करती आ रही है। आयुर्वेद विश्व का प्राचीनतम जीवन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान है। अपने उत्कृष्ट शाश्वत मूल्य सिद्धांतों के कारण ही आयुर्वेद सदियों से
अनेक विषम परिस्थितियों को रहते हुए भी सतत जीवंत बना रहा है। आज संपूर्ण विश्व में इसकी मांग बढ़ रही है। अनेक जीवन व्याधियों की चिकित्सा में पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति असफल सिद्ध हो रही है। औषधियों के रासायनिक दुष्प्रभाव शरीर में अनेक उपद्रव को उत्पन्न कर रहे हैं। इसी कारण पिछले कुछ वर्षों से आयुर्वेद अन्य वैकल्पिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की और पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित हो रहा है। इन चिकित्सा पद्धतियों की अपनी विशेषताएं हैं। पहला, इनका शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। दूसरा, रोग जड़ से समाप्त होता है। तीसरा, रोग शमन के पश्चात रोगों की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। चौथा, शरीर के प्राकृतिक वातावरण को ये बनाए रखती हैं। पांचवा, स्वास्थ्य को संरक्षित करती है, अक्षुण बनाए रखने में सक्षम है। छठा, भारत की भौगोलिक एवं जलवायु के अनुरूप ये पद्धति सरल, सहज, उपलब्ध एवं कम खर्चीली है। आयुष चिकित्सा के स्नातक, अधिस्नातक एवं शोध कार्यपूर्ण करके आज दीक्षा प्राप्त कर रहे अध्येताओं को समाज की स्वास्थ्य सेवा का व्रत और संकल्प लेकर यहां से जाना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। नित नई बीमारियां अपने विकराल रूप में मानव समाज को पीड़ित करती रही है। इससे गरीब परिवारों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आयुष चिकित्सक समाज से अधिक जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में करुणा, दया, सहानुभूति एवं संवेदना संस्कार के रूप में होती है। आयुष चिकित्सक बीमारियों के बचाव के तरीके और सही खान पान के बारे में समाज को जागरूक करते हैं और जड़ी बूटियों से बनी आयुर्वेद की सस्ती सुलभ औषधि से रोगी की निरापद चिकित्सा करते हैं। जब से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के महत्व को स्वीकार किया है तथा इसके महत्व को अपनी नीतियों में शामिल किया है, तब से पूरे विश्व का ध्यान इन पद्धतियों को अपनाने और स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति आकर्षित भी हुआ है। आयुर्वेद सनातन रूप से शताब्दियों से भारतीय समाज की स्वास्थ्य की परंपराओं, खान पान की परंपराओं में शामिल रहा है। आयुर्वेद भारतीय ऋषि मुनियों की युगों युगों की साधना का साक्षात उपहार है, जो न केवल भारत अपितु पूरे विश्व के लिए स्वस्थ एवं दीर्घायु सुनिश्चित करने का एक सरल माध्यम है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय श्रेष्ठ गुणवत्ता का अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान तथा चिकित्सा का केंद्र है और राज्य सरकार इसकी उत्तरोत्तर प्रगति के लिए संकल्पबद्ध है। आज के दिन मैं समस्त दीक्षा प्राप्त उपाधि धारकों को, स्वर्ण पदक विजेताओं को और वरीयता प्राप्त अध्येताओं को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वे चिकित्सा रूपी पवित्र कार्य को सेवा के रूप में करेंगे और समाज का ऋण चुकाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय के कुलपति, विद्वान, शिक्षक, चिकित्सक, प्रशासन, कर्मचारीगण, विद्यार्थियों सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से सविनय अनुरोध करती हूं कि वो अपना आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में उपस्थित माननीय चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर रघु शर्मा जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जी, प्रबंध बोर्ड के सभी सदस्यगण, अन्य निकायों के सदस्यगण, कुल सचिव श्रीमती सीमा कविया जी, विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राएं तथा अन्य महानुभाव, आप सभी के साथ शामिल होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर आरोग्य के क्षेत्र में काम करने वाले साधक स्वरूप सभी स्नातकों,
अधिस्नातकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दीक्षांत शिक्षा की समाप्ति नहीं है बल्कि जीवन का प्रारंभ है। इसलिए मैं बार बार यह बात दोहराता हूं कि विद्यार्थियों के नए जीवन की शुरुआत है। दीक्षांत समारोह संस्कार का उत्सव दिन है। भारतीय संस्कृति में संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण। प्राचीन काल में विद्यार्थी जब गुरुओं से गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे तो केवल पुस्तकीय ज्ञान ही प्राप्त नहीं करते थे बल्कि जीवन की व्यावहारिक शिक्षा भी प्राप्त करते थे और इसी से मन वाणी और शरीर से उनमें सुधार होता था। तैतरीय उपनिषद में शिक्षा समाप्ति पर आचार्य की दीक्षांत शिक्षा का उल्लेख मिलता है। आज का यह दीक्षांत समारोह महत्वपूर्ण है और इस अवसर पर मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि आप समाज की स्वास्थ्य सेवा में अपना अमूल्य योगदान देकर राष्ट्र को सबल और समर्थ बनाएंगे। आप सभी को मैं साधक कहता हूं। साधक संज्ञा इसलिए दे रहा हूं कि आयुर्वेद सहित सभी प्रकार की आयुष चिकित्सा के स्नातकों अधिस्नातकों को अपने अध्ययन के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों को समान रूप से देखने और उनकी आत्मा की आवाज को सुनने समझने और संवेदनशील बनने की सिद्धि भी प्राप्त करनी है। हमारे संविधान में समानता का अधिकार है। कोई जाति धर्म या वर्ण से छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि समाज के ऐसे लोग जो महंगी चिकित्सा प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होते उन्हें चिकित्सा सुविधाएं प्रभावी रूप में उपलब्ध कराएं। उनको आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि कोविड 19 महामारी की कठिन परिस्थितियों में मानव जीवन पर आए घातक संकट से जब पूरा विश्व अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था ऐसे समय में परंपरागत भारतीय जीवन शैली और हमारी महान आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुर्वेद औषधियों के साथ ही इसके अंतर्गत बताए गए प्राकृतिक उपचारों के माध्यम से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और रोग प्रतिरक्षा का निर्माण करने में यह चिकित्सा पद्धति कोविड के विकट दौर में बेहद कारगर रही है। आप सभी तो विषय विशेषज्ञ हैं, अधिक जानते हैं, परंतु मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके अनुसार आयुर्वेद से असाध्य रोग के इलाज और कहीं कहीं तो मृतपाय हो चुके शरीर तक को जिंदा करने का कार्य प्राचीन काल से किया जाता रहा है। हनुमान मृत संजीवनी सुवर्णकरणी और संघान करणी ही तो लक्ष्मण के लिए लेकर आए थे। महाभारत में भीम की विषपान से मुक्ति आयुर्वेदी औषधि से ही हुई थी। ऐसे और भी प्रसंग हमारे पौराणिक कथाओं में मिलते हैं जिनसे आयुर्वेद का महत्व प्रतिपादित होता है। इस अवसर पर मैं शब्द ब्रह्म पर भी आपसे बात करना चाहता हूं। प्राचीन हमारा जो ज्ञान है उसमें शब्दों का बहुत महत्व रहा है। शब्द को हमारे यहां इसीलिए ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म अर्थात प्रकाश। गूढ़ से गूढ़ ज्ञान को भी शब्द के अर्थ में ही समझा और ग्रहण किया जाता है। इसीलिए मैं शब्द की बात करते इसके उपयोग में विशेष सावधानी रखे जाने पर जोर देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि आयुर्वेद में शब्द ब्रह्म की बात मैं कहां से ले आया। इसलिए बता रहा हूं कि विश्वविद्यालयों में इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि विद्यार्थी जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहा है उससे संबंधित शब्दों का अर्थ भी उसे भलीभांत आता है। औषधि शब्द को ही ले, इसका अर्थ ऐसी दवा नहीं है जिससे रोग ठीक हो जाए। यह तो बहुत छोटा सा अर्थ है। औषधि का अर्थ है
वेदना को दूर करने वाली वस्तु। वेदों में औषध के लिए माता शब्द भी आता है। अब देखिए कितना गहरा अर्थ है। आयुर्वेद में औषध दी जाती है, औषध यानी मां की तरह आपकी वेदना को जो दूर कर देती है। आयुर्वेद बहुत प्राचीन ज्ञान है। सुश्रुत के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि से पहले ही आयुर्वेद के ज्ञान की रचना कर दी थी। सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। प्रजापति से बाद में या अश्वनी कुमारों को और उनसे फिर इंद्र ने इस ज्ञान को प्राप्त किया था। अश्वनी कुमार सभी औषधियों के ज्ञाता कहे जाते हैं। कहते हैं कि वैदिक देवताओं की चिकित्सा अश्वनी कुमारों ने ही की थी, इसीलिए अश्वनी कुमार हमारे यहां आरोग्य, दीर्घायु, शक्ति, प्रजा, वनस्पति तथा समृद्ध के प्रदाता माने गए। चरक, सुश्रुत, कश्यप आदि आयुर्वेदीय संहिताओं में आयुर्वेद का संबंध अथर्ववेद से माना गया है। कहीं कहीं इसे ऋग्वेद का भी अंग कहा गया है। ऋषि मुनियों ने चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा जो दिव्य ज्ञान अपनी गहरी सूझबूझ से विकसित किया, वही आयुर्वेद का बाद में हिस्सा बना। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और कश्यप संहिता अभी भी उपलब्ध है। मैंने कहीं पढ़ा है कि चरक और सुश्रुत संहिता तो पूरी तरह से प्राप्त हुई है, परंतु कश्यप संहिता खंडित रूप में हमें मिली है। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय से आग्रह करूंगा कि इन संहिताओं के ज्ञान के आधुनिकीकरण के लिए प्रयास करें। प्रयास किया जाए कि इन संहिताओं में निहित ज्ञान की सामग्री को हिंदी में अनुवादित कर उसे जन सुलभ करवाया जाए। इन संहिताओं में शल्य चिकित्सा, हृदय रोगों तथा शरीर की समस्त व्याधियों के उपचार का उल्लेख है। इनके मर्म में जाने की जरूरत है। मुझे यह बताया गया है कि कोविड के संकट की घड़ी में आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा संक्रमण से बचाव एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कोरोना योद्धाओं एवं आम जनता के बीच निःशुल्क औषधियां प्रदान की गई हैं। साथ ही जन जागरण में महत्वपूर्ण योगदान किया गया है। यह जानकर भी सुखद लगा है कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार उनकी टीम द्वारा कोविड 19 संक्रमित रोगियों पर किए गए एक शोध अध्ययन को विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख जर्नल में वैश्विक महत्व के कार्य के रूप में स्थान दिया है। यह महत्वपूर्ण है। मैं आयुर्वेद विश्वविद्यालय को इसके लिए बधाई देता हूं। कोविड काल में भी आपके विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन अध्यापन कार्यों को निरंतर जारी रखने और ऑनलाइन 2100 से अधिक वीडियो लेक्चर्स तथा विविध प्रकार की अध्ययन सामग्रियां राजस्थान ही नहीं देश भर के आयुष अध्येताओं को उपलब्ध कराकर आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है। कोविड 19 संक्रमण से मुक्त हुए रोगियों के स्वास्थ्य की सार संभाल यौन उपद्रवों की चिकित्सा हेतु विश्वविद्यालय परिसर चिकित्सालय एवं मंगरा पुजला स्थित सेटेलाइट चिकित्सालय में 2 संजीवनी पोस्ट कोविड केयर सेंटर स्थापित करने, विश्वविद्यालय से संबद्ध अन्य सभी आयुर्वेद महाविद्यालयों में भी पोस्ट कोविड केयर सेंटर प्रारंभ करने के आपके कदम सराहनीय है। आयुर्वेद से मेरा आरंभ से ही गहरा जुड़ाव रहा है। इस आधार पर आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद के चिकित्सीय सिद्धांत प्रकृति और त्रिदोष पर केंद्रित है। इस सिद्धांत के अनुसार हरेक व्यक्ति की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है और यह उपचार और औषधि के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया करती है। मैं जानता हूं कि आयुर्वेद प्रकृति से जुड़ा चिकित्सकीय ज्ञान विज्ञान है। स्वस्थ जीवन के लिए इसके अंतर्गत प्रकृति के तत्वों और मानव शरीर के त्रिदोषों के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखे जाने पर ही अधिक जोर दिया गया है। आयुर्वेद एकमात्र ऐसा स्वास्थ्य विज्ञान है
जो सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य संरक्षण पर जोर देता है ताकि कोई व्यक्ति बीमार ही ना पड़े। मेरा यह मानना है कि आयुर्वेद विश्व की एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें संपूर्ण विश्व समाज के स्वस्थ रहने की कामना की गई है। आयुर्वेद ही नहीं हमारी सभी प्राचीन संहिताओं का प्रत्येक मंत्र स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ अच्छा इंसान बनने, अच्छे आचार विचार रखने, पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसके प्रति सम्मान की भावना रखने और विश्व शांति के साथ साथ मानव जीवन के कल्याण की बात कहता है। वृहदारण्यक उपनिषद का तो मंत्र ही है, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है कि सभी सुखी होए, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। आयुर्वेद बेहद संपन्न चिकित्सा ज्ञान है, इसलिए आप सभी से मैं आज के इस अवसर पर आह्वान करता हूं कि जो ज्ञान आपके आपने विश्वविद्यालय में पाठ्य पुस्तकों के जरिए प्राप्त किया है उस शिक्षा को जीवन व्यवहार से जोड़ें, अपने अर्जित ज्ञान से समाज की अधिक से अधिक सेवा करेंगे तभी आप अपने आचार्यों की दी गई दीक्षा के ऋण से मुक्त हो पाएंगे। आयुर्वेद में चिकित्सा कार्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए एक सुंदर उक्ति लिखी हुई है, चिकित्सा नास्ति निष्फला, अर्थात चिकित्सा सेवा कभी निष्फल नहीं आती। चिकित्सा कार्य करते हुए चिकित्सक को धन धान्य प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है और गरीब की सेवा करने पर पुण्य भी साथ में प्राप्त होता है। इस बात को अपने जीवन में सदा ध्यान में रखेंगे तो आपका सर्वत्र कल्याण होगा। विश्व के विभिन्न देशों में आयुर्वेद की जड़ी बूटियों पर इस समय महत्वपूर्ण शोध हो रहा है। कैंसर, डायबिटीज जैसी जटिल बीमारियों में यह कारगर पाई गई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी ध्यान इसीलिए भारतीय चिकित्सा की आयुष पद्धतियों पर पिछले कुछ समय के दौरान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ है। इसलिए मेरा आयुष पद्धतियों के आप साधकों से आह्वान है कि आज के समय की आवश्यकता को समझते हुए संपूर्ण समर्पण के साथ भारतीय पद्धति से भारतीय समाज को स्वस्थ और सबल बनाने में अपना योगदान दें। इसी से भारत विश्व शक्ति बनने के साथ साथ विश्व गुरु बनने में भी समर्थ हो सकेगा। आयुर्वेद और सभी आयुष पद्धतियां भारत के जन जन में लोकप्रिय हैं, किंतु राजस्थान इनके लिए स्वर्ग के समान है जहां ये सभी पद्धतियां निरंतर फलफूल रही हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 6000 आयुष चिकित्सक राजस्थान की राज्य सेवा में कार्यरत है, यह देश में सर्वाधिक है। देश के द्वितीय यौन अपनी तरह के पहले आयुर्वेद विश्वविद्यालय की राज्य में स्थापना होने के बाद आयुर्वेद और आयुष पद्धतियों के विकास के अवसर बढ़े हैं और शिक्षण व्यवस्था में सुधार हुआ है, परंतु जरूरत इस बात की भी है कि विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुर्वेद की पंचकर्म, क्षार कर्म, स्वर्ण प्राशन, योग इत्यादि विधाओं का आधुनिक रूप में भी विकास किया जाए। इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय में आयुर्वेद पर शोध एवं अनुसंधान के अंतर्गत आधुनिक समय संदर्भों में नई औषधियों को विकसित करने और उनका परीक्षण करने के लिए सुनियोजित रणनीति के तहत कार्य करने का भी आह्वान करता हूं। मेरा यह भी मानना है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की हमारी पारंपरिक और आधुनिक प्रणालियों के बीच अंतर विषयीय संबंधों पर भी विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थान कार्य करें। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपका विश्वविद्यालय देश का श्रेष्ठ शिक्षण और अनुसंधान केंद्र के रूप में अपने आप को स्थापित करे। इसके लिए सभी मिलकर कार्य करें। दीक्षांत समारोह में मैं आयुर्वेद विश्वविद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूं और अध्ययन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक प्राप्त विजेताओं को बधाई देता हूं। आप सभी को भी दीक्षांत समारोह पर बधाई, स्वस्थ कामनाएं, सभी को नव वर्ष की भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
विश्वविद्यालय परिवार हृदय से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता है। आपका प्रेरणादायी उद्बोधन एवं आशीर्वचन पाकर विश्वविद्यालय परिवार को पूर्व की भांति ही नई ऊर्जा एवं प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने पधारे माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी का विश्वविद्यालय परिवार आत्मीय भाव से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता है। आप सदैव ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे हैं। विश्वविद्यालय परिवार आज प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता है। इस अवसर पर स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले एवं वरीयता प्राप्त स्नातकों एवं अधिस्नातकों एवं पधारे हुए अभिभावकों का कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। समारोह में भाग ले रहे विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक अधिकारियों एवं अशैक्षणिक अधिकारियों व स्टाफ का आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मीडिया के बंदियों एवं गणमान्य नागरिकों का इस समारोह में पधारने के लिए धन्यवाद प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि वे दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या आपकी आज्ञा है कि दीक्षांत समारोह का समापन किया जाए? हाँ, आज्ञा है। मैं इस दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूँ। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि वे कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कार्यक्रम के सफल संचालन में सहयोग हेतु विश्वविद्यालय परिवार आप सभी उपस्थित अतिथियों का हृदय से आभारी है। जय हिंद, जय आयुर्वेद।